जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कल यूपी आउटडोर स्टेडियम में डाक मतपत्र डालकर मतदान संपन्न हुआ। कुछ मतदान एजेंटों ने मतपत्र की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई थी और संबंधित मतदान केंद्रों पर मतपत्र बेचने की अपील की थी। हालांकि कैपिटल न्यूज टीम के साथ बात करते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सर एसडीओ दोईमुख पापुमपारे जिला यूपीआ के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कीपा राजा ने बढ़ती चिंताओं को दूर किया और कड़ी सुरक्षा और अच्छी तरह से संरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम के साथ इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। इस बीच एआरओ कीपा राजा ने कैपिटल न्यूज टीम को सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए एक छोटा सा दौरा भी दिया। ये ईवीएम का ये जो मेन जो है ये हमारा ये कोई भी किसी प्रकार का मूवमेंट होने के लिए हमारा सीएपीएफ करा है ना पूरा नीचे में देखा मूवमेंट चल रही है नीचे में देखा मूवमेंट चल रही है एवरी डे जो एवरी डे जो अंदर बाहर जाता है सब करने एंट्री टाइम एग्जिट टाइम सबका रजिस्टर रहता है और यहाँ भी सीएपीएफ 24/7 यहाँ से लेके काउंटिंग हॉल में लेके आएगा। टेबल 14 तक जाएगा होगा ना 14 टेबल काउंटिंग हॉल। तो सर रिसेंटली है पोस्टल बैलेट का जो कंडक्ट किया गया था वो कंक्लूड हो चुका है। हालांकि 4 दिन दिया था लेकिन एक्सटेंड करके 5 दिन का कराया गया है। एज ए पोलिंग एजेंट आपको ये सब प्रोसेस कैसा लगा है यहाँ का किस तरीके से किया गया है? हाँ थैंक यू। मेरा नाम लिखा निगम पोलिंग एजेंट एनसीपी याचुली 16th याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो 11 अप्रैल से शुरू हुआ उसका जितना जो पोस्टल बैलेट पोस्टल पीवी जो जितना जो वोटिंग मारना था पोस्टल वोटिंग को 11 अप्रैल से शुरू किया था और कल 15 तक हुआ है। तो जितना जो यहाँ में जो पोस्टल वोटिंग हुआ है वो बहुत ही पीस मैनर से हुआ है और उसी में कोई भी मेल प्रैक्टिसेस नहीं हुआ है। जितना जो किया है पीसफुली हो लोग कंडक्ट किया है और यहाँ में कुछ गड़बड़ और कुछ आर्गूमेंट्स ऑफिसर का साथ कहीं कुछ नहीं हुआ है। बहुत पीस मैनर से सक्सेसफुली उसका जितना जो वोटिंग प्रोसेस को हो लोग कम्प्लीट किया गया है। तो अभी फर्दर ये जो वोट डाला गया है वो उसका कुछ इंफॉर्मेशन है आपको? तो अभी ऐसा है कल हम लोग 15 तक उसका पोलिंग हुआ है तो उसका बाद हम लोग ये हमारा नोडल ऑफिसर को हम रिक्वेस्ट किया है मैंने कल। तो ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो जितना जो उसमें जो वोटिंग किया है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न का जितना जो वोटिंग किया है उसको ईस्ट और वेस्ट का जो हमारा जो याचुली 16th याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का पेपर में जो ईस्टर्न गैलरी में जो गया है और वेस्टर्न में गैलरी में जो गया है उसको रिसोर्टिंग के लिए हमने कल अपील किया था। तो उस अपील को लेके नोडल ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया है कि जितना जो वहाँ से जो जितना जो ये रूम से जितना जो ये पोस्टल का वहाँ ये रूम से वो लोग जो किया है उसको वो लोग एक्सेप्ट किया करके आज रिसोर्टिंग हो रहा है यहाँ में ना और रिसोर्टिंग करके आज हम लोग उसको रीसील करेगा और हमारा सील एंड सिग्नेचर को हम लोग दिया जाएगा और हमारा जितना नोडल ऑफिसर का और प्रोसाइडिंग और जितना पोलिंग ऑफिसर का जितना जो सिग्नेचर हम लोग वहाँ बॉक्स में हम लोग दिया जाएगा सिग्नेचर। आप लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी का इंश्योर किया गया? सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोग ये बात किया है कि हम लोग नोडल ऑफिसर से ये पूछा है कि तो हम लोग उसको जैसे कि वोट आज हुआ है और आज सीलिंग हो गया तो उसी चीज़ को लेके कल ही हम उसको अपना डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए हमने जिक्र किया है उसको रिक्वेस्ट किया है लेकिन वो उन्होंने ये बोला है कि जो जितना जो वोटिंग हुआ है उसी चीज़ को वो लोग 27 तक यहाँ में रखेगा बोल के ना 27 तक यहाँ कंट्रोल रूम में रखेगा बोला है उसे वो लोग ना और ये सेफ उस इसीलिए हमको हमारा डीसी और जितना जो डीईओ से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि उसका सेफ्टी मेजर क्या होगा ना और 27 तक यहाँ रखेगा तो और कहाँ में रखेगा लोकेशन कहाँ में रखेगा कौन सा रूम में रखेगा और उसका सेफ्टी मेजर क्या होगा ये चीज़ को हमको जानना जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने इस विषय में डायरेक्ट ऑफिसर्स लोग से बात करने का कोशिश किया? हाँ जी कोशिश किया है।
तो उन्होंने आप लोगों को इंश्योर नहीं दिया? अभी तक उसका इंश्योर नहीं किया है। वो लोग को सिस्टम को हम अभी तक पूछ रहे हैं कि 27 तक कहाँ रखेगा और क्यों रखेगा और कैसा रखेगा, ये चीज़ को हम अभी भी पूछ रहे हैं इनसे ना। और वो हमको शाम तक वो लोग बता देगा बोला इसे ना उस सिस्टम को बस। सर रिसेंटली ये पोस्टल बैलेट का जो इलेक्शन था या में ख़त्म हो चुका है, हालांकि 4 दिन का था लेकिन एक्सटेंड करके 5 दिन का हुआ है, 15 तक हुआ था। तो यहाँ में आके और अपडेट्स हमने जो पोलिंग एजेंट्स है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जो यहाँ के जो बॉक्सेस है उसको अपना अपना पोलिंग स्टेशन में ले जाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने कहा कि उसको यहाँ 27 तक रखा जाएगा। तो सर ऐसा क्यों आप लोगों का तरफ से अथॉरिटी का तरफ से डिसाइड? सबसे पहले जो अपील है किसी का वो अभी तक ऑफिशियल फॉर्मेट में नहीं आया है, किसी का वर्बल डायरेक्टिव से हम लोग नहीं चलते हैं। एवरीथिंग हैज़ टू बी सबमिटेड इन राइटिंग इफ़ देयर आर एनी इश्यूज़, वो है। और मैं क्लेरिफिकेशन ये देना चाहता हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग में है ये काफ़ी सिक्योर्ड है हम लोगों का, जो अभी पोस्टल बैलेट अभी भी एक्सरसाइज चल रहा है। 5 दिन का था, 4 दिन का था, हम लोग 1 दिन एक्सटेंड कर दिया और आज भी चल रहा है। आज भी स्पेशल जो रनर्स जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से कोई भेजता है उनके लिए भी हम लोग रुक रहे हैं। प्लस आज जैसा कि हम लोग का रैंडमाइजेशन हुआ है पोलिंग टीम का, उसमें रिजर्व ख़त्म हो गया तो किसी को लास्ट मोमेंट भी डिप्लॉयमेंट होता है, तो उनका भी हम लोग 1-2 केसेस अभी भी आया हुआ है, तो उनका भी हम लोग पीवी कराएगा। कराने के बाद वो स्ट्रॉन्ग रूम में जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग रूम इज़ वेल गार्डेड, बहुत CAPF है, उसके बाद में CCTVs है। और यहाँ में जितना भी सीलिंग प्रोसेस होता है पूरा पार्टी के एजेंट का प्रेजेंस में ही होता है, तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ यू नो लैक ऑफ सिक्योरिटी। दूसरी बात, पोस्टल बैलेट्स को ये कहीं ECI का कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो पोलिंग स्टेशन में ले जाना है। PVs आर नॉट टेकन टू द पोलिंग स्टेशन, ये उन लोगों का इग्नोरेंस है। तो ये जो है क्योंकि इतना मैसिव एक्सरसाइज हुआ है पोस्टल बैलेट का और पापमपारे डिस्ट्रिक्ट में इस बार सेंट्रलाइज हुआ है गोल्डन जुबली स्टेडियम पे, और यहाँ का पोस्टल बैलेट एक्सरसाइज करना 3-4 डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन करना बराबर है। तो फिगर वाइज आपको हम बताएगा तो कल तक का 15 अप्रैल तक हम लोगों का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का 2,807 वोट कास्ट हुआ है, पार्लियामेंट्री का 3,736 कास्ट हुआ है, टोटल हमारा 6,542 पोस्टल बैलेट कास्ट हो चुका है। तो अभी किसी डिस्ट्रिक्ट का सेग्रीगेशन चल रहा है तो इसमें आज 6 डे है जैसा मैंने पहले बताया, कोई भी लास्ट मोमेंट कोई भी डिस्ट्रिक्ट से अगर बेचता है तो उसका भी हम लोग एक पोलिंग डेडिकेटेड टीम खोल के रखा हुआ है। तो ये प्रक्रिया जारी रहेगा, ऐसा केसेस बढ़ता रहेगा, तो इसलिए हम लोग ये डिसाइड किया है एक बार ये एक्सरसाइज ख़त्म जब हो जाएगा तब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेजेंस में, क्योंकि अभी है और भी चीज़ एक्सरसाइज करना बाकी है। जैसा कि पापमपारे का मान लो कि 15 सगाली, 13 ईटानगर, 14 दोईमुख जो बाहर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयमेंट हुआ है तो उनको भी पोस्टल बैलेट उन डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है, तो वहाँ में भी पैरेलली दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टल बैलेट एक्सरसाइज चल रहा है। तब पूरा प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद हमारा ये CEO ईटानगर से निर्वाचन से एक डेट देगा, तो उस डेट में सारा डिस्ट्रिक्ट्स लोग पूरा पोस्टल बैलेट्स जो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट्स है सब सेंट्रली यहाँ निर्वाचन में कलेक्शन के लिए आएगा, तो उसमें फिर एक्सचेंज होगा। फिर हम लोगों का जैसा यहाँ में UPI में जो ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, तवांग, बोमडिला, कई कामले डिस्ट्रिक्ट का जो यहाँ में बैलेट कास्ट हुआ है उसको भी हम लोग अभी बंडलिंग करके अकाउंट बना के हम लोग भी एक्सचेंज के लिए देगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट का उनका अपना कलेक्ट करके ले जाएगा और हमारा जो है 13 ईटानगर, 14 दोईमुख और 15 सगाली का जो है हम लोग भी कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद तब एक फाइनल स्टेज में आता है पोस्टल बैलेट का टोटल सीलिंग प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस अभी भी बाकी है। तो इसलिए जो एजेंट्स लोग शायद बेचारा वो लोग इनोसेंट है, इसलिए उनका गलती नहीं है, बिकॉज थोड़ा एजेंट्स भी चेंज होता रहता है ना उन लोगों का, तो उसका ये है। तो इसलिए यहाँ में कोई घबराना नहीं है, इस वेल सिक्योर्ड, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, देर इज़ वीडियो कैमरा रनिंग 24/7, पूरा वीडियो फुटेज है, ऐसा कोई इश्यूज नहीं होगा। सर आप बता पाएंगे कि काउंटिंग कब तक होगी? काउंटिंग तो ऑलरेडी ECI ने नोटिफाई किया है, 2 फेस में होगा ना, सबसे पहले आपका AC का होगा फिर PC का होगा, जून को होगा, सेकेंड एंड फोर्थ, आप लोग देखा होगा नोटिफिकेशन ना।